बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में आपको बताया कि मेरे घर में सुहानिया लगा हुआ है और मैंने आपको इसके फ़ायदे भी बताए। आज एक ऐसा आपको फ़ायदा बताने जा रही हूँ जो हमने खुद इसको इस्तेमाल किया और इसके बारे में आप मैं बताऊँगी कि हमने इसको कैसा पाया। तो प्यारे व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं। जब मेरा 3रा बच्चा हुआ तो मेरे साथ एक मसला हुआ कि ये मेरा जो बाजू था ना, ये साइड साइड वाला, ये बिल्कुल सुन हो जाता था और इसमें इतना शदीद दर्द होता था कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी और सारी सारी रात मैं उठ के बैठी रहती थी। दर्द वाली कोई गोलियां वगैरह टिकियाँ खाती थी तो थोड़ी देर के लिए आराम आ जाता था, उसके बाद फिर वही दर्द शुरू हो जाता था। तो एक दिन हम ऐसे सैन में बैठे हुए थे तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और हकीम भी है, तो उन्होंने कहा कि ये गोलियां टिकियाँ खा के तो तंग हो रही हो, इलाज तो तुम्हारा जो है तुम्हारे घर में ही मौजूद है, ये आप इस्तेमाल करके देखो। तो उस वक्त मैंने कहा मेरे घर में क्या है, उन्होंने कहा ये जो सुहानिया लगा हुआ है आप इसके पत्ते तोड़ के जो छांव में सुखा के इसका सफूफ बना लो, ये खाओ और जब सीज़न आए तो फिर इसके फूलों का सालन वगैरह बना के खाओ तो इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। तो प्यारी बात, मैंने उसी वक्त पत्ते तोड़े और सुखा के मैंने छांव में रख दिए। 2 दिन में ही ये पत्ते जो है ना छांव में सूख गए। तो फिर मैंने उनको बारीक पीस के और कैप्सूल में भर के मैंने उनको इस्तेमाल किया और चंद ही दिनों में मेरा ये दर्द ठीक हो गया। 13 साल मैंने पूरे उस दर्द को भुगता और अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 साल हो गए हैं, ये मेरा बाजू जो है ना ये बिल्कुल भी अब ठीक है, मुझे सर्दियों में भी बिल्कुल ये तकलीफ नहीं होती। तो अब ये मेरे घर में सुहानिया है तो ये मैं जो है ना इसका जो ये फूल होते हैं ये मैं सुखा के रख देती हूँ। तो गर्मियों में भी हम जो है ना 1-2 दफ़ा इसको पका लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, आज मैं ये कैप्सूल जो है ना भर रही थी, ये पाउडर है इसका मुरंगे का सुहांजने का, तो आज ये मैं कैप्सूल भर रही थी तो मुझे ख्याल आया क्यों ना आप लोगों से भी इसको शेयर करूं। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।